जनपद गोंडा में श्री राम कथा एवं ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन चित्रांश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अर्जुन बीस पूर्वा सलोनी मोहम्मदपुर गोंडा में कथा प्रवक्ता बाल व्यास प्रज्ञा शुक्ला प्रसून जी ने कहा कि दहेज नाम की भयंकर बीमारी से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि सिर्फ बेटे को ही नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया जाए। शादी विवाह में दहेज नहीं होता, लोग अपनी लड़की की शादी में उपहार देते हैं। आज समाज में दहेज जैसा दानव शब्द फैल रही है। यही कारण कि जब तक हमारे देश के लड़के लड़कियां शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कहा गया है लड़कियां लड़कों से कम नहीं, हमें एक समान लड़कियों को मानना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए। वहीं कार्यक्रम आयोजक सुनील श्रीवास्तव अध्यक्ष श्री हरि बहादुर सिंह प्रेम बहादुर सिंह उपाध्यक्ष श्री देव नारायण सिंह ललन सिंह ने बताया कि कक्षा 6 अप्रैल से शुरू हुई है, 14 अप्रैल तक प्रारंभ होगी। इस कथा में गोंडा जिला के तमाम कोने कोने से लोग प्रवक्ता बाल व्यास प्रज्ञा शुक्ला प्रसून जी की कथा सुनने आए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट गोंडा। जनपद बिल्हौर में नवरात्रि के पावन अवसर पर बिल्हौर तहसील के गांव औरंगपुर में सभी में स्थित मां चंडिका देवी सिद्धपीठ दरबार में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कथावाचक आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी एवं मंदिर समिति के लोगों ने बताया कि इस वर्ष माता रानी का 23वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर समिति एवं ग्रामीणों की मदद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के द्वारा भक्तों को पावन कथा सुनाई जा रही। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम सक्सेना की रिपोर्ट बिल्हौर कानपुर। लखीमपुर के गांव दिलावरपुर विकासखंड मोहम्मदी जिला खीरी यूपी में स्वच्छता अभियान का कार्य यूपी सरकार एवं केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में होते हुए इस गांव की सड़कों का हुआ। नालिया ग्राम सभा बिलावलपुर में सरकार की स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं नाली व खड़ंजी की काफी खराब हालत में रास्ते पर जल भराव हो रहा है, जिससे गाँव में गंदगी से अन्य बीमारियां फैल रही है। वहीं ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी इस समस्या से अनभिज्ञ है, गाँव वालों की परेशानी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। साथ ही गाँव वालों का कहना है की इस समस्या से को जल्द ही निजात दिलाई जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट लखीमपुर खीरी। जनपद फतेहपुर में शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी रेत खदान में पोकलेन मशीनों के उपयोग पर रोक नहीं लग रही। वहीं मडयन खदान में बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। खनन माफिया 2-3 मशीन लगाकर खुलेआम रेत निकाल रहे हैं, जबकि शासन ने पोकलेन मशीनों से खनन न करने के लिए सख्त आदेश दिए, लेकिन माफियाओं ने सारे नियम कानूनों को ताक में रख दिया। वहीं कुछ दिन तक रेत उत्खनन का काम बंद रहने के बाद मशीनों का उपयोग शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के दबाव में प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। रेत के अवैध कारोबार में करोड़ों खेल हो रहा है। रविवार को कुछ पत्रकार सुबह रेत खदान पहुंचे तो बड़ी संख्या में पोकलेन से खनन हो रहा था। टीम ने मशीन के उपयोग की जानकारी चाही तो खनन माफिया बोले, प्रदेश में हमारी सरकार है, सरकार ने हमें रेत खनन के लिए अनुमति दी है। वहीं खनिज विभाग से अनुमति लेकर खनन कर रहे झांसी से खनन करने के लिए आए हैं उच्च अधिकारियों की सेवा करते हैं, मशीन पर रोक नहीं है। खनन माफियाओं ने कहा कि सरकारी दर पर रॉयल्टी जमा कर रहे, चाहे शिकायत करना हो कर ले, लेकिन रेत खनन का कार्य मशीन से यहां चलता रहेगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर। जनपद सीतापुर में महिला कांस्टेबल की भारी भीड़ के बीच जमकर हुई पिटाई। जिला अस्पताल में महिलाओं ने घसीट कर जूतों और थप्पड़ों से पीटा। वहीं जिला अस्पताल में पर्चा बनवाने को लेकर सीधी लाइन लगवाने की कोशिश में हुआ बवाल। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला सिपाही से मारपीट करने वाली महिलाओं को हिरासत में लिया। महिला सिपाही के बयानों पर आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट शाहजहांपुर। जनपद फरुखाबाद में जिला मुख्यालय पर कानपुर से चलकर कमिश्नर सुरेश चंद पहुंच गए, जिसके बाद आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कमिश्नर ने नामांकन और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन के चुनाव व्यवस्था की प्रशंसा की। मैं यहां फरुखाबाद में नामांकन पत्र किस तरह से दाखिल किए जा रहे थे उसकी प्रक्रिया को भी देखने आया था और ओवरऑल यहाँ की प्रिपेयरनेस को भी मैंने देखा है। अभी जा रहा हूँ जहाँ बूथ है उनको देखना है कि मिनिमम फैसिलिटी एश्योर की गई है कि नहीं, और काफ़ी अच्छा यहाँ की व्यवस्थाएं रही हैं। आपने देखा ये बहुत स्मूथली यहाँ नामांकन प्रक्रिया आज यानी दाखिल करने का काम तो पूरा हुआ है। करने वाले लोग जो भी होंगे वो अपना काम देखा, बड़ी वाला जरूर चल रहा है। बूथ पर
जैसे रैंप की व्यवस्था है, मतदाताओं के लिए पीने का पानी है, छाया है, बच्चों के रहने के लिए क्रश है, टॉयलेट वगैरह है, ये फैसिलिटीज यहाँ हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। चीज़ें पूरी हो गई है, कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन की कमी जरूर रही है, उसको इलेक्शन के ठीक दो दिन पहले ज़रूर सुनिश्चित करा लिया जाएगा, ये मुझे आश्वासन दिया गया है। कई बार चोरी होने की का खतरा है, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप लोग देख रहे हैं कि मुझे भी कहीं ज़्यादा ऐसा कुछ मिला नहीं कि होर्डिंग्स लग रही हों या बहुत काफिले के रूप में कहीं प्रचार होता हो। मैं अभी राउंड पे निकलूँगा, ऑब्जर्वर्स यहाँ आए हुए हैं, मेरी अभी पुलिस ऑब्जर्वर से बात हुई है, जनरल ऑब्जर्वर से मुलाकात हुई है। तो ओवरऑल फर्रुखाबाद का चुनाव अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन अभी ये मोमेंटम पकड़ेगा। 29 तारीख को हमारा मतदान है, तो 29 तक तो व्यवस्थाएं हम लोग सभी मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि बिना परमिशन के कोई भी अगर कार्रवाई की जाती है, कोई इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का उल्लंघन हो, तो उनको वार्न किया गया पहले से कि ऐसा कोई काम ना करें। लेकिन नहीं, कोई कैंडिडेट फॉलो करता है या कैंपेनिंग के दौरान कोई टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं फिरोजाबाद में पैदल चलकर प्रचार करेंगे। नगर विधायक मनीष असीजा के नेतृत्व में डॉक्टर चंद्र सिंह जादौन को जिताने के लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं कल श्री पन्नालाल दिगम्बर जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्र सिंह जादौन के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें विरोधी दलों की धड़कन बढ़ने लगी है। वही साथ ही तैयारियों का जायजा टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम ने और इस दौरान हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र लोधी व लोकसभा मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता से। इस समय हम खड़े हुए हैं पीडीजेएन के ग्राउंड में, जहां कल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, जो कि लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन जादौन के लिए यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। संकल्प रैली का, इस पूरी रैली का नाम जो दिया गया है वो संकल्प रैली का नाम दिया गया है। हमने तमाम इस भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात की, मीडिया प्रभारी से बात की, जिन्होंने बताया कि यहाँ लाखों की संख्या में कल कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होने वाले हैं इस चुनावी जनसभा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं मेरे पीछे जिस तरीके से ये मंच बनाया गया है, जहाँ से कल अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद जहाँ हम इस जगह खड़े हुए हैं यहाँ मीडिया के कवरेज के लिए जगह है, और उसके बाद आपने देखा कुछ VIP के लिए यहाँ सोफे भी डाले गए हैं, और पीछे कार्यकर्ताओं के लिए चेयर्स का इंतज़ाम किया गया है। तो जिस तरीके से अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ज़िले की महानगर की कार्यकारिणी यहाँ इस समय मौजूद है, जो कि इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कल इस रैली को किस तरीके से सफल बनाया जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिरोजाबाद के अंदर एक र्यूमर था कि भारतीय जनता पार्टी ने डमी कैंडिडेट को उतारा है, उसको लेकर भी हमने जिलाध्यक्ष से सवाल पूछा, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल विरोधी बौखलाए हुए हैं, लेकिन फिरोजाबाद किसको अपना प्यार देगा, फिरोजाबाद की जनता किसको सांसद चुनेगी, इसका फैसला तो आने वाला समय करेगा, लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल फिरोजाबाद में तैयार है। एक तरफ जहां चाचा भतीजे आमने सामने हैं, वहीं उनकी दोनों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन जादौन मैदान में हैं, जिनके लिए कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हम आपको लगातार यह अपडेट फिरोजाबाद से लगातार दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद। कौन लोग आने वाले हैं और कितनी भीड़ होने की संभावना है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी कल यहाँ डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी के समर्थन में एक चुनावी सभा संबोधित करने वाले हैं, और यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ पहुँचेगी पूरी लोकसभा क्षेत्र से। अब तक जिस तरीके से जो र्यूमर फैलाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डमी है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये तो विरोधियों का अपना एक एजेंडा है, और वो अपना दुष्प्रचार वैसे ही करते फिर रहे हैं, और इसका आपने नमूना देखा भी होगा कि दोनों चचा भतीजे अभी जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया में
नामांकन पर्चे की जांच के दिन आपने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में देखा होगा कितनी आपस में उनमें बहस और झगड़े की नौबत आई, बाहर उनमें कार्यकर्ताओं में भी झगड़े की नौबत आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी के पर्चे पर भी बेवजह जो एक ओथ का एक कागज रहता है जिसको जिलाधिकारी महोदय के सामने ओथ लिया जाता है उसको उसमें चैलेंज किया, जबकि जिलाधिकारी महोदय ओथ लेने के बाद एक सर्टिफिकेट भी देती हैं, तो वो तो बौखलाए हुए हैं इस समय अपनी हार की प्रत्याशा में। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम प्रसपा को बता दिया और दोनों के नामांकन एक जैसे होने का आरोप लगाया, तो किस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है? मैंने बताया नहीं भाई, उनकी जो लड़ाई है वो आपस में, मुझे कहना चाहिए यहाँ लगभग लोकसभा क्षेत्र में 17,85,000 वोट है, उसमें से लगभग 7,00,000 वोट की लड़ाई में वो दोनों लड़ रहे हैं, एक तीसरे प्रत्याशी वसीर जी भी हैं और उसमें हमारा वोट भी है, तो वो तो आपस में एक लिमिटेड वोट पे दोनों दावा अपना कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। क्या फिरोजाबाद की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, क्या आपका मानना है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ यहाँ चुनाव जीतेगी। के बाद क्या होने जा रहा है फिरोजाबाद के इतिहास? कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प सभा यहाँ पर आयोजित की जा रही, जिसको संबोधित करने के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी के चौकीदार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी यहाँ पर दोपहर 12 बजे यहाँ पर पधार रहे हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में पार्टी के समर्थक एवं कार्यकर्तागण यहाँ पर जुटेंगे और यहाँ पर जीत का विजय संकल्प का संकल्प लेंगे और पूरी दमदारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और विजय श्री हासिल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। कहीं ना कहीं बीजेपी प्रचार में पिछड़ तो नहीं रही? कहीं कोई नहीं पिछड़ रही है, बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2014 में देश के चौकीदार और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगे थे, इस बार उल्टा है, देश की जनता और क्षेत्रीय नागरिक लोग और समर्थक लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, पूरे देश में एक ही नाम है नरेंद्र मोदी जी और उसी के यही विजय संकल्प और के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विजय श्री हासिल करेगी। इसी के साथ टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट फिरोजाबाद। आजमगढ़ बरदाह थाना क्षेत्र के ग्राम कमालपुर में गेहूं के खेत में काटने वाली मशीन से शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी निकलने से लगी आग, साथ ही 2 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों के लाख प्रयासों के बाद भी आग पर काबू न पाया गया। फसल जलने वाले किसानों के नाम तारा देवी, पत्नी फूलचंद, विन महादेव विंद है। भैया पूरा हमारे गेहूँ जरी गए, अब का कही हमारे बाल बच्चा कैसे की है, भैया दिमाग बहुत काम ना करत हो। पुलिस लेखपाल सब लोग गवर्नमेंट के सरकारी आदमी लिख के ले गए हूँ, नहीं बच्चा लोग बात कैसे की है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए साहिल सिंह की रिपोर्ट आजमगढ़।